हे गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत करता हूँ मैं आप लोगों का मेरी एक और न्यू वीडियो में। मैं हूँ आपका दोस्त मंजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माय स्मार्ट वर्ल्ड। गाइस, आज मैं काफी एक्साइटेड हूँ इन पपीज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मैं काफी टाइम से इन पपीज पर वीडियो बनाने की सोच रहा था बट मैं बना नहीं पा रहा था। बट फाइनली मैं आप लोगों के लिए सिट्जू के पपीज लेके आया हूँ। ये जो ब्रीड होती है भाई, बहुत ज़्यादा क्यूट होती है और मुझे ये पपीज बहुत ज़्यादा पसंद है। आप में से कितने लोग सिट्जू पपीज को लाइक करते हैं मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जो सिट्जू ब्रीड को पसंद करते हैं। तो अगर आप लोग भी इस स्वीट ब्रीड को परचेज करना चाहते हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें। मैं आप लोगों को इनके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। बट उससे पहले, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल और साथ में बेल के आइकन को भी दबा दें, जिससे आप लोगों को मेरी फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। क्योंकि भाई, आजकल मेरे पास काफ़ी फ्री अडॉप्शन के लिए डॉग्स हैं तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी वीडियो मिस ना करें। गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा। मेरे पास काफ़ी सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि भाई मुझे ये डॉग चाहिए, भाई मुझे वो डॉग चाहिए। भाई, उनको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, मैं कोई ब्रीडर नहीं हूँ। अगर आप लोगों को डॉग चाहिए तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, बट सेल करने के लिए मेरे पास कोई भी डॉग या कोई भी पपीज नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं सिट्जूस पपी के बारे में। भाई, मैं काफ़ी टाइम से इनके बारे में सोच रहा था कि मैं इन पे एक वीडियो बनाऊं, और मेरे पास काफ़ी डिमांड भी आई हुई थी इनकी, कि काफ़ी लोगों ने मुझे बोला हुआ था कि सिट्जू पपीज के ऊपर वीडियो बनाओ। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, सिट्जू जो ब्रीड होती है वो कोई गार्ड डॉग या कोई शिकारी डॉग नहीं होती, और ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं और इनको टॉय डॉग्स भी बोला जाता है। सिट्जू जो नाम है वो एक चाइनीज वर्ड है और इसका मतलब है लोइन डॉग्स, और इनका नाम ये इसलिए रखा गया क्योंकि ये लगता है कि जैसे छोटे शेर होते हैं ये उनकी तरह दिखते हैं, तो इसीलिए इन्हें चाइनीज वर्ड में सिट्जू बोला जाता है। अगर आप लोग एक छोटे अपार्टमेंट में रह रहे हैं और आप लोगों के घर में ज़्यादा स्पेस नहीं है तो ये सबसे अच्छी ब्रीड है जो वहाँ पर आराम से एडजस्ट कर सकती है। और अगर आप लोगों के घर में बच्चे हैं और उन्हें टॉय डॉग चाहिए तो इससे बेटर आप लोगों के लिए ऑप्शन कोई हो ही नहीं सकता यार। सिट्जू ब्रीड थोड़ी यूनिक ब्रीड है। अगर आप लोगों के घर में कोई गेस्ट आता है और आप लोगों के घर में वो उस सिट्जू पपी को देखता है तो आई एम श्योर वो बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि ये दिखने में भी बहुत ज़्यादा प्यारे होते हैं। आगे मैं आप लोगों को इनके मदर और इनकी फादर की पिक भी दिखाऊंगा। आप लोग इनकी मदर की पिक देखना, कितनी खूबसूरत क्वालिटी और कितनी प्यारी लगती है। और गाइस, मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं, सिट्जू जो ब्रीड होती है वो काफ़ी इंटेलिजेंट ब्रीड होती है। अगर आप लोग इन्हें परचेज करते हैं और इसके बाद आप लोग इन्हें ट्रेंड करना चाहते हैं तो आप लोग इन्हें बड़ी इजीली ट्रेंड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग इन्हें कुछ भी सिखाते हैं तो ये बड़ी जल्दी उन्हें कैच करते हैं और उनको सीख जाते हैं। और गाइस, सिट्जू पपीज की एक खास बात होती है, अगर आप लोग कहीं जा रहे हैं तो आप लोग इन्हें साथ भी ले जा सकते हैं, क्योंकि ये इतनी छोटी ब्रीड होती है कि आप इन्हें आराम से कैरी कर सकते हैं। और गाइस, ये देखिए कितनी क्यूट मदर है इनकी। आप जो पपीज अभी देख रहे थे ये उनकी मदर है। और गाइस, मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि मुझे जितनी क्यूट लगती है कि आप लोगों को भी ये इतनी क्यूट लगती है, तो नीचे मैं एक बार देखना चाहूँगा इसमें 10 में से आप लोग इसे कितने मार्क्स देते हैं। तो मैं तो 10 में से 10 दूंगा भाई। अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग कितने देते हैं। और ये देखिए गाइस, आप लोग इसके फादर की क्वालिटी भी देख सकते हैं, क्वालिटी आप लोगों के सामने है। तो चलिए अब बात करते हैं इनकी एज, इनकी प्राइस और इनकी लोकेशन के बारे में। गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को इनकी एज के बारे में बता देता हूँ। इनकी एज जो है वो आज 32 डेज की हो चुकी है, और इनकी जो लोकेशन है वो यूपी मुजफ्फरनगर खाटोली से है। अगर आप लोग आसपास से बिलोंग करते हैं तो गाइस आप लोग जाकर इन्हें अच्छे से चेक करें, उसके बाद आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। और वैसे भी एक पपीज काफ़ी एक्टिव लग रहे हैं। और प्लीज़ मैं आप लोगों को सजेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप लोग डिलीवरी को थोड़ा सा अवॉइड करें तो आप लोगों के लिए भी अच्छा होगा और डॉग्स के लिए भी अच्छा होगा। अगर डिलीवरी के चक्कर में आप लोगों के साथ कोई भी फ्रॉड होता है तो भाई उसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। अब 2 दिन पहले ही मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझसे बोला कि आप फेक ब्रीडर्स की वीडियो डालते हो, कि हमने उस ब्रीडर को एडवांस दिए डिलीवरी के लिए बट उन्होंने हमारा फोन नंबर जो है ब्लॉक कर दिया। देखो, अगर आप लोग किसी को भी पेमेंट देते हो, किसी को भी एडवांस देते हो, तो वो आप लोगों का रिस्क है, वो मेरा रिस्क नहीं है। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग इस चीज़ को ध्यान रखें कि डिलीवरी को थोड़ा सा अवॉइड करें तो ही अच्छा रहेगा। तो चलिए अब बात करते हैं इनके प्राइस के बारे में। ओनर ने जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की है 14,000 रुपये, और जो फीमेल है उसके प्राइस की डिमांड की है 10,000 रुपये। अगर आप लोगों को प्राइस अच्छा लगता है तो आप लोग इन्हें परचेज कर सकते हैं। ओनर का जो नंबर है वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप लोग वहाँ पर जाकर उन्हें कॉल कर सकते हैं। और गाइस, आज की वीडियो यहीं तक। आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक और कमेंट्स कर सकते हैं, और साथ में अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग एक और न्यू वीडियो में एक और न्यू डॉग के साथ। So, तब तक कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड बाय।